अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वेब डेवलपमेंट की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, यानी जो ट्रिक्स वेब डेवलपमेंट में बहुत ही फास्ट यानी बहुत तेज़ी से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो 3 ट्रेंड आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 वेब डेवलपमेंट के ट्रेंड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में अपने लिए कोई वेबसाइट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो फ्यूचर है वो है प्राइवेसी सेंटर। यानी आपने वेबसाइट देखी होंगी कि जिनकी प्राइवेसी पॉलिसीज भी होती हैं, यानी जब आप किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं तो वेबसाइट सबसे पहले आपसे पूछती है कि क्या आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से कन्फर्म हैं, आप इनको मानते हैं। यानी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है ये हमारे यूज़र को यकीनी बनाने के लिए होती है कि ये वेबसाइट इसके लिए बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन अगर आप कोई लोकल वेबसाइट देखेंगे तो आपसे वो नहीं पूछेगी कि आपकी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है। तो आप प्राइवेसी पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जब भी वेबसाइट बनाएं तो प्राइवेसी पॉलिसी को ज़रूर रखें। तो ये थी पहली वेब डेवलपमेंट की ट्रेंड जो बहुत तेज़ी से लोग इनको अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं, ताकि उनकी वेबसाइट सिक्योर और सेफ लगे यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए। तो नंबर 2 पर जो वेब डेवलपमेंट का ट्रेंड चल रहा है वो है डार्क मोड। यानी आपने कई वेबसाइट पर डार्क मोड देखा होगा। ये जो डार्क मोड है ये 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन 2020 और 2021 तक इसको इस्तेमाल नहीं किया। उम्मीद है आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन जैसे ही 2022 आया तो लोगों ने डार्क मोड को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जो ये डार्क मोड होता है ये हमारी आंखों को हल्का कर देता है, जिससे हमारी आंखें बिल्कुल फिट रहती हैं। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें जो लाइट मोड होता है उससे हमारी आंखें दर्द करने लग जाती हैं, तो उसके लिए हमें ग्लासेस डालने पड़ते हैं। तो जो डार्क मोड है ये लोग बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कोई वेबसाइट तैयार करते हैं तो आप इस डार्क मोड को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये आपके यूज़र की एक्सपीरियंस को बिल्कुल ऊपर लेवल तक ले जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद है कि आप डार्क मोड के इस फ्यूचर से सेटिस्फाई होंगे। तो नेक्स्ट और आखिरी जो हमारा वेब डेवलपमेंट का ट्रेंड है वो पुश नोटिफिकेशन है। यानी अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करने जाते हैं किसी वेबसाइट पर तो वो एक पॉपअप सा शो होता है, नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं, कि आप हमारी वेबसाइट को अलाउ करते हैं। हाँ, वो अलाउ वाला ऑप्शन ही पुश नोटिफिकेशन है, जो हमारे इंटरेस्ट को ग्रैब करता है कि हम इस यूज़र से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो अगर आप उस पर अलाउ कर देंगे तो उस वेबसाइट को पता चल जाएगा कि ये हमारी वेबसाइट से सेटिस्फाई है, यानी ये हमारी वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया है। तो ये जो पुश नोटिफिकेशन है ये तो मैंने जब मैं कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ मुझे बहुत दफ़ा नज़र आता है, और आपको भी नज़र आता होगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर जा रहा है। इसलिए इन फ्यूचर अगर आप कोई वेबसाइट बनाए तो इन तीनों फ्यूचर को ज़रूर आप इस्तेमाल करिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। उम्मीद है आपको ये तीनों वेब डिवेलपमेंट के ट्रेंड अच्छे लगे होंगे। अगर आप इन वेब डिवेलपमेंट के ट्रेंड को सुनकर बहुत खुश हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।